सरकार से मौत चलाना जानती है उन्होंने का नाम पकौड़े का रोजगार किया, पकौड़े का रोजगार करने के बाद इन्होंने तेल बढ़ा दिया, बताओ क्या करें अब। महंगाई सरकार के कंट्रोल में होती कहाँ है? किसके कंट्रोल में महंगाई? महंगाई तो है, महंगाई है। भाजपा आई है तब से गैस सिलेंडर 1000 रुपए का। हमने तो ये देखा साइकिलों से लोग आए पैदल। नहीं हम नहीं है खुश उससे, जो कहते वो करती नहीं सरकार, झूठे वादे वाली सरकार से हम कुछ नहीं होते। धरातल पर हकीकत में कुछ नहीं आया, केवल एडवर्टाइज और प्रचार में सब कुछ आया है इस बार। नमस्कार, मैं दिव्यांशु और KIA के खास प्रोग्राम कुर्सी कनेक्शन में आपका स्वागत है। कुर्सी कनेक्शन आज जिला जालौन के विधानसभा परिषद उरई में पहुंच चुका है, जहां पर उरई की बता दें आपको कि यहां पर जो BJP से मौजूदा विधायक हैं और यहां पर कुछ लोगों से बात करते हैं कि अब की बार किसको वो सत्ता में बिठाना चाहेंगे, क्योंकि सभी पार्टियां अपने पूरी तरीके से दमखम लगा रही हैं और सभी ये कह रही हैं कि हम इस बार सत्ता में आएंगे। तो कुछ लोग हैं यहाँ जनता की राय जानते हैं कि जनता का मूड क्या है, तो यहाँ पर पब्लिक है हमारे साथ, कुछ उनसे ही पूछेंगे कि क्या उनकी राय है इस बार। सर क्या नाम है आपका? दीपू ठाकुर। दीपू जी, इस बार जो वर्तमान में सरकार है उनके कार्य से आप खुश हैं? खुश हैं। क्या क्या कार्यों से खुश हैं? जो आपके हो रही जो विधानसभा है उसमें क्या क्या कार्य ऐसे हुए हैं जिनसे आप खुश हैं? कार्य काफ़ी हुए हैं, जो हाईवे कालपी जो हाईवे है भाजपा ही सरकार में ही पूर्ण हुआ है। रोडों की तो भाजपा खुद कहती है गड्ढे मुक्त हुए, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसा कार्य जिससे आप संतुष्ट हैं? बेरोजगारी पे क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी तो हर सरकार में होती है, हर सरकार में बेरोजगारी होती है, हर सरकार में बेरोजगारी होती है। महंगाई पर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई सरकार के कंट्रोल में होती कहाँ है? ओह नो, किसके कंट्रोल में होती है? सरकार के कंट्रोल में होती नहीं है ना। लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? क्या लगता है सरकार तो यार किसी की बने, सरकार हमेशा चेंज होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो परिवर्तन होना चाहिए। वर्तमान में जो सरकार है उसके जो कार्य हैं उनसे आप खुश हैं? नहीं हम नहीं हैं खुश उससे, जो कहती है वो करती नहीं सरकार, झूठे वादे वाली सरकार से हम कुछ नहीं होते। आगे आने वाली सरकार को चेंज होना चाहिए ताकि परिवर्तन आए। बहुत महंगाई हो गई, हर चीज़ हो गई, ये सब हम चेंज परिवर्तन करना चाहते हैं उससे। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, क्या नाम है आपका? भोला महाराज। भोला महाराज जी, क्या मतलब वर्तमान की सरकार से क्या कुछ अपेक्षा करते थे और उनकी वो सरकार आपके अपेक्षाओं पे खड़ी उतरी है यानी? हाँ। क्या क्या कार्य ऐसे हुए हैं जो आप उनसे संतुष्ट? कानून व्यवस्था अच्छी है। कानून व्यवस्था उसके बाद? और तो ठीक है सब, गल्ला वगैरह मिल रहा है। महंगाई? महंगाई तो है, महंगाई है। क्या चाहते हैं आपकी बार जो सरकार है और क्या क्या आपकी मांगे रहेंगी उनको देखते हुए वो सरकार बने? कानून व्यवस्था ठीक रहे, दुरुस्त रहे, और कानून जो कानून व्यवस्था सुधरी है और लोगों की अपेक्षा कानून व्यवस्था किसी ने सुधार नहीं पाई हमारे हिसाब से। अब की बार क्या लगता है किसकी सरकार बने? अब ये तो अभी नहीं बता पाएंगे। क्या लगता है वर्तमान में जो सरकार ने कार्य किए हैं उससे खुश हैं? वर्तमान में जो सरकार ने कार्य दावे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, लेकिन धरातल पर हकीकत में कुछ नहीं आया, केवल एडवर्टाइज और प्रचार में सब कुछ आया है। इस बार बदलाव उत्तर प्रदेश चाहता है, विकास और तरक्की के रास्ते पर जाना चाहता है। गरीब आदमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, बच्चों को पढ़ाना तो दूर, दो वक्त की रोटी के लिए तो लाले पड़े हुए हैं इस समय इस महंगाई की वजह से। गैस सिलेंडर कहाँ था 300, 350, 400 रुपये का, जब से जो है भाजपा आई है तब से गैस सिलेंडर 1000 रुपए का सब्सिडी पहले देते थे खातों में, अब वो घुमा के वो सब्सिडी को खाते में देते थे, फिर वो भाई खाना खाना है चाहे यहाँ से खा लो चाहे यहाँ जाना तो मुंह में है, घुमा के वो भी बंद कर दिया। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश परिवर्तन चाहता, कर्मचारी भी परेशान है, और अखिलेश जी ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, चौमुखी विकास किया। क्या लगता है सरकार चेंज होनी चाहिए? सरकार बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के कुछ लोग भी बदलाव चाहते हैं और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सौरभ यादव। सौरभ जी, क्या वर्तमान में जो सरकार है उसने जो कार्य किए हैं उससे खुश हैं? सरकार को चेंज करना चाहते हैं, जड़ से उसको उखाड़ना चाहते हैं। और कुछ लोग हैं हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैजान, कांग्रेस से लग रहे जी। मैं कांग्रेस पार्टी का यहाँ शहर महासचिव हूँ। और निश्चित ही आपने जो सवाल उठाया है कि
बेरोजगारी का जो मसला है, तो सबसे चरम मुद्दा तो आज इस जिले का, इस प्रदेश का और इस देश का बेरोजगारी ही है। बुंदेलखंड की लगातार एक समस्या बनी रही कि यहाँ का जो बेरोजगार छात्र युवा है या मजदूर है वो हमेशा पलायन करता पश्चिम की ओर या गुड़गांव या फिर आपका हरियाणा या पंजाब की ओर, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं है, यहाँ बेरोजगार के नाम पे कुछ नहीं है, यहाँ पे स्कूल एजुकेशन के नाम पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। तो निश्चित ही इस बार का चुनाव बेरोजगारी पे, महंगाई पे, महिला सुरक्षा पे होने जा रहा है। हम बहुत ज़्यादा परेशान पता का आए हैं, इसलिए परेशान कि मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया है और एक मंत्री जी ने बोल दिया कि आप पकौड़े का रोजगार करो, पढ़े लेके बीएड बीटीसी ट्रिपल सी करें सब अच्छे अच्छे ग्रेजुएट वाले। उन्होंने कहा नाम पकौड़े का रोजगार किया, पकौड़े का रोजगार करने के बाद इन्होंने तेल बढ़ा दिया, बताओ क्या करें। बेरोजगारी से यहाँ के युवा हैं थोड़ा काफ़ी नाखुश है सरकार के कार्यों से, बेरोजगारी से, और कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार निरंजन। मनोज कुमार जी, क्या लगता है सरकार ने जो कार्य किए हैं कुछ है? देखो ये बात नहीं, किसान की महंगाई से परेशान है, गंगन से परेशान है, हर चीज से परेशान है। सरकार तो कहती है कि हमने सब चीज की व्यवस्था कर रखी है। सरकार सिर्फ मौ चलाना जानती है, सरकार सिर्फ मौ चलाना जानती है। एक मिनट, सरकार जो घोषणा पत्र निकाला था बीजेपी की सरकार ने, उसका 20% का 10% भी धरातल पे नहीं उतरा है, है ना? 15 लाख कहाँ है, महिला की सुरक्षा का कहाँ है? महिला सुरक्षा पे तो बोलती है कि महिला सुरक्षा बढ़ी है, और आप देखो हाथरस वाला कांड है, कहाँ सरकार थी, कहाँ सारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, हैं? आधी रात को उनको जला दिया गया, तो ये क्या है, महिला सुरक्षा है? ये किस पे बात करना चाहे? बेरोजगारी देखो, पेपर लीक हो गया, अभी तक पहली बार हुआ है कि हाथ से पेपर छीन लिया गया, इनको खुद नौकरी नहीं देनी है ना, नौकरी अगर देनी होती ना तो पेपर्स आराम से करवाते ना, तो इनको सुपरटेट तुरंत करवाना पड़ता है। इनको जानबूझ को इन लोगों ने प्री प्लान था कि इन लोगों को नौकरी नहीं देनी है। सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा आपका बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, हॉस्पिटल और सारी हर चीज़ तो महंगी है। फ्री में राशन भी तो बांट, राशन इधर कान इधर से पकड़ो चाहे इधर, कैसी बात कर रहे हो? यहाँ राशन से अकेला हो जाएगा? राशन काहे में बनेगा आप ये बताइए, तेल में बनेगा कि नहीं? पानी में थोड़े ना बनेगा राशन? 200 रुपए तेल मैंने आज तक नहीं देखा, 80-70 रुपए किलो तेल लिया मैंने, आज 200 रुपए किलो तेल है। सिलेंडर देखिए आप, यार कैसे काम चलेगा, इतनी महंगाई का मुद्दा है। और भी कई लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानना चाहें क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश कुमार। क्या लगता है वर्तमान में सरकार के कार्य से कुछ? भाजपा सरकार अच्छा कार्य कर रही, जनता को सुरक्षा दे रही, हम लोग भयमुक्त हैं। और ये तो कह रहे हैं महिला सुरक्षा नहीं, हमें किसी से क्या कहना, हमें ऐसा लगता है कि हमारी सुरक्षा हो रही, कोई ऐसा राज्य नहीं है गुंडा राज, हम लोग आज सुरक्षित चल रहे हैं, हमारी महिलाएं सुरक्षित चल रही हैं, पढ़ाई के बारे में। ये भाजपा ही है, इनको दीन और दुनिया से मतलब नहीं है, इनको नहीं मतलब है कि छात्र कहाँ लटका रहा है, इनको चाचा करते हैं नौकरी, इसलिए इनको दुख दर्द पता नहीं है। हमसे पूछो, पूरी हुई है, हमसे पूछो, हम बेरोजगार, हमसे पूछो, चाचा तो नौकरी करा, चाचा तो बेरोजगार लोग हैं, युवा हैं, इनका दर्द आप देख सकते हैं आपके सामने। बेरोजगार तो हमेशा रहा है, जो योग्य है वो अपने पद पर जाएगा, हम योग्यता हमारे पास है तो हमें कोई इसकी ऐसी दिक्कत नहीं है, ना कोई बेरोजगार है। और बेरोजगारी तो हर समय बनी रहेगी जब हम पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम ऐसी सरकारें आई जिनमें हमने परीक्षा लिखकर कागज से लिखा देख कर। हर साल 2 करोड़ नौकरियां कहां गई, आप ये पूछिए इनसे जो वादा किया। हमारा गांव मुसमरिया है, हमारे गांव में गाँव देखे आओ तो कम से कम पर डे का नियम है, कम से कम 20 गाय मर रही है, और मोदी सरकार में क्या तो गौशाला खोल रखी, गौशाला नहीं खोला है, स्कूल में बैठ रहे हैं। और प्रधान जी उनसे कहा तो कह रहा है हमें दबाव पैसा गवर्नमेंट से, कहाँ आ रहा है उपाय? प्रांजल तिवारी। वर्तमान की सरकार ने जो कार्य किए हैं संतुष्ट हैं, और हमें ऐसा लगता है, ज़्यादातर पब्लिक को, जनता को ऐसा लगता है कि जो वर्तमान में जो सरकार है राज्य की वो दोबारा चुन के आनी चाहिए। उसके कई कारण हैं। कारण ये है कि जो 5 साल का जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो एजेंडा रहा है वो पूरा पूरे का पूरा विकास पे समर्पित था,
और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है उसके हिसाब से ही उत्तर प्रदेश को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। अगर हम एक जिले के हिसाब से देखें तो बुंदेलखंड को उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। बाकी और पश्चिमी राज्य, पश्चिम यूपी का पश्चिमी क्षेत्र देखें, अवध देखें, वो तो सबका साथ सबका विकास की बात, सबका साथ सबका विकास वो बिल्कुल उसी एजेंडे पे चल रहे हैं। बट पाँच साल में अगर हम अपने बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो उतना नहीं मिला, लेकिन हाँ आने वाले अगले 1-5 साल में बुंदेलखंड को बहुत कुछ मिलेगा। जैसे कि अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यहाँ से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निकला हुआ है, डिफेंस कॉरिडोर निकला हुआ है, और आने अगले 5 साल में कानपुर झांसी का 6 लेन भी गडकरी जी ने 2016 में उसको प्रस्ताव कर दिया था, तो वो भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो निकलेगा आने वाले टाइम में। जो कॉरिडोर बनेंगे तो तमाम रोजगार की संभावना बनेगी, लॉ एंड ऑर्डर बनेगा, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहेगा। और अभी 5 साल में देखिए, आप ये देखिए कि एक भी दंगा नहीं हुआ है। हमको हिंदुओं को क्या चाहिए? शांति चाहिए। मुसलमानों को क्या चाहिए? शांति चाहिए। रोजगार तो सब अपने अपना व्यवस्था कर ही लेते हैं, और क्या। अगर मान लीजिए बेरोजगार तो काफ़ी है ना, बेरोजगारी के लिए तो डंडे भी चलवा रहे हैं। नहीं बेरोजगार नहीं, रोजगार मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम अगर थोड़ा बहुत कम भी किया है तो उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे, हम ऐसी आशा करते हैं आने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। और अगर आपको पूरा अगर उत्तर प्रदेश का विकास की बात बताएं तो आप देखिए कितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, कितने सरकार कहती है हमारे टाइम से सबका उद्घाटन नहीं, सपा सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था लखनऊ। मैं बता रहा हूँ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एक सच्चाई ये भी है जो शायद नहीं पता, कि जब अखिलेश यादव जी ने जब उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था तो मात्र जमीन का अधिग्रहण मात्र 18% था और उसकी कॉस्टिंग जो थी करीब 14,000-15,000 करोड़ थी। जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, जब उन्होंने देखा कि कार्य में कोई प्रगति नहीं हो रही है, तो उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम क्यों रुका हुआ है, तो उन्होंने कहा साहब 18% हमारे पास जमीन अधिग्रहण है। इस चक्कर में उन्होंने आनंद क्या कहना चाहेंगे भैया? भैया ये आप बोल रहे 18% कहाँ की न्यूज बता रहे भैया? नखड़ा है जमीन का आंकड़ा बता रहे आप 18%, इनसे पूछिए पहले। मैं बता रहा हूँ ये क्या कहते हैं, ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने खुद एक और आप विकास की बात बोल रहे हो, रोड बनाई ये बनाई ठीक है, अच्छी बात है रोड बनाई। आप जो मुद्दा है बेसिक में अभी चर्चा हो रही थी ना, बेसिक मुद्दा क्या होता है? देखो रोटी कपड़ा और मकान, इधर कितने परसेंट गरीबी है पहले आप इनसे ये पूछिए, कितने परसेंट गरीबी है ना, उन गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा नीड किन चीज़ों की होती है ना, इनसे पूछिए आप पहले। आप एक बात बताइए कि अपने बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा किसानों की जनसंख्या है, किसान तो परेशान है, किसान परेशान है, लेकिन क्या 5 साल में क्या बदलाव आ जाता है? आप कोई बताइए, अगर बदलाव लाना है अगर अपने प्रदेश में अपने देश में तो एक स्थिर सरकार को कम से कम 10-15 साल चाहिए होता है। उस 10-15 साल में ही हम आकलन कर सकते हैं कि हाँ जिसने दो पंचवर्षीय सत्ता में गुजारे हैं उन्होंने क्या किया है, एक ईमानदारी पूर्ण आकलन। ये तो 10-15 साल योगी जी को मांग रहे हैं। 10-15 साल, अच्छा ठीक है, अभी तो ये 50 साल मांगे। कांग्रेस से बोलते थे कि 5 साल क्या किया हमारी, वो थी वो क्या स्मृति ईरानी, सिलेंडर जब महंगा हो गया था 200 रुपए किलो महंगा हो गया था ना, तो बैठ गई थी भैया इतना महंगा कैसे हो गया, अब 1000 के ऊपर सिलेंडर पहुंच गया। अब बीजेपी स्कीम निकालती है ना, जो बड़े बड़े अधिकारी होते ना वो उनकी जेब भरने के लिए बनाई जाती है, जो भी स्कीम गवर्नमेंट निकालती है वो अधिकारियों की जेब भरने के लिए बनाई जाती है, सबसे बड़ा मुद्दा ये। और रही गाय की बात ना, गाय को घर में रखना चाहिए, गौशाला में रखना चाहिए, और आप ज़्यादा दूर नहीं मेडिकल के आगे जाइए, कम से कम 100 गायें रोड पे बैठी होंगी अभी जाके देखना, और डेली मरती हैं वहाँ, या तो आदमी मरेगा या गाय मरेगी। हमारी बात सुनो, हम तो इस बार गले शिकवे सब भूल के समाजवादी पार्टी की सरकार चुनेंगे। नहीं अभी अपनी अच्छा मैनिफेस्टो है, इतना अच्छा हमने देखा पिछली सरकार में भी, उन्होंने दुनिया के सबसे बड़ी योजना युवाओं की सोच है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, अखिलेश यादव जी की, उन्होंने लैपटॉप बांटे दुनिया की सबसे बड़ी योजना के तहत। क्या 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 उरई की मुख्य समस्या, आपके उरई में रहते हैं, उरई की मुख्य सबसे बड़ी मुख्य समस्या तो बेरोजगारी है, उसके बाद आप देख सकते हैं जगह जगह गड्ढे हैं, अन्ना जानवा सड़कों में फिर रहा है, आपका मेडिकल कॉलेज में बना तो बहुत खूबसूरत है लेकिन मशीन के नाम के कोई चीज़ नहीं है, जिला अस्पताल जाएंगे आप
बना बहुत विशाल है, लेकिन डॉक्टर नहीं है क्योंकि तनख्वाहें नहीं है। सबको संविदा पे रख रहे हैं। कोई जब 18,000 की पे थी, आज 14,000 कर दी, पुरानों को हटा दिया। ऐसे ना जाने कैसे लाखों लोग जो है पूरे प्रदेश भर से बेरोजगार भी हो रहे हैं, और ना जाने कितनी समस्या है। मेडिकल सुविधाओं पे क्या कहेंगे? मेडिकल सुविधा जब मेडिकल दिया गया था तो हमारे यहाँ तो रिसर्च से मेडिकल आया था, इसमें नेताओं की पहले ही गलती रही, आज तो नहीं हुआ ये मेडिकल। आज 5 साल हो जाने के, मैं ये कह रहा हूँ भाजपा की सरकार 5 साल रही, ये रिसर्च बनाया गया, इसको जब नेता थे जब ये मेडिकल बना था तो उस समय नेताओं को बात रखना चाहिए थे। अब उसके लिए कहा जाएगा और जरूर सरकार बीजेपी के नेता कहते हैं ऑक्सीजन की कमी से कोरोना काल में कोई व्यक्ति नहीं मरा, जबकि सबके सामने तस्वीरें सामने थी जी। ऑक्सीजन प्लांट बन चुके हैं, बने थे उस टाइम की बात कर रहे हैं कि मरने जब बीमारी आई थी तब नहीं थी, इसके बाद जब बने। पूछ लीजिए गंगा में कितनी लाशें बही, इन्हें कितनी देखी थी लाशें, गंगा पट गई थी पूरी लाशों से। गंगा की लाशें तो तब बही थी जब राम मंदिर का मुद्दा था, जब राम मंदिर बन गया। आज कोई भी व्यक्ति गंगा में बहा हो तो दिखा दो, आज कोई भी गंगा में बहा हो। जब बड़े बड़े नेताओं की रैलियां होती हैं अमित शाह और मोदी जी की, तो बड़े बड़े गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनको बोल दिया जाता है अगर आप 10 बसें भर के नहीं लाएंगे तो आपकी ये सुविधाएं बंद कर दी जाएं। और जब कोरोना का समय था ना तब सुविधा इन लोगों ने टोटल बंद कर दी थी। होते तब जानते दुख दर्द इनको कहा है, हमारे पूछो हमारे गए घर वाले रिश्तेदार चले गए कोरोना में निपट गए, इनको कहूँ जा तो समझ में आ जाती। और भैया मुख्यमंत्री जी ने फ्री में राशन देने के बहाने सिर्फ अपनी पार्टी का प्रचार ही किया है, चाहे वो सोयाबीन का तेल हो चाहे वो नमक हो, सब पे उनकी फोटो ही माननीय योगी जी ने बच्चे गाड़ियां भेजकर उत्तर प्रदेश सरकार की, और बच्चों को सुरक्षित बुलाया गया। हमने तो ये देखा साइकिलों से लोग आए पैदल, कोई सुरक्षा नहीं, कोई उनका सपोर्ट नहीं, जो बात है सच है। उरई की क्या क्या समस्याएं आपकी, उरई में रहते हैं? अरे उरई में बहुत समस्याएं हैं। क्या समस्या है? कुछ यहाँ के वर्तमान विधायक ने उन समस्याओं को सॉल्व नहीं किया तो? ना कोई सुनेगा, मतलब भाजपा सरकार में किसी की सुनवाई नहीं होती, उन्हीं की होगी और किसी की नहीं होगी। क्या कहना चाहिए? बड़े बड़े उद्योगपतियों पतियों की पार्टी है भाजपा, ये सब जनता जानती है, और इस बार चुनाव विकास पर होगा पूर्ण रूप से। बरगलाने वाला कोई नहीं होगा, हिंदू मुसलमान वाले करने वाली कोई भी बात नहीं होगी। सुरक्षा पे होगी, शिक्षा पे होगी, अस्पताल पे होगी, बेरोजगारी पे होगी, ये मुद्दा मेन रहेगा इस बार। क्या कह रहे थे राम मंदिर की, क्या बात कह रहे थे आप? राम मंदिर इतने दिन पड़ा रहा बीजेपी सरकार शासन में आने के बाद, आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस सरकार में सुनवाई वो खुद आएंगे ना, चंदा का बच्चा, चंदा को कोई हिसाब नहीं दे पा रहे 1 रुपया। ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने कांगा रुपी चंदा नहीं। आप राम मंदिर की बात बोल रहे हैं भैया, इनसे पूछिए राम मंदिर ठीक है, सबके अनुयायी है राम, सब लोग मानते हैं राम को, लेकिन एक व्यक्ति की सबसे बड़ी नीड क्या होती है? रोटी कपड़ा और मकान। एक मिनट, रोटी कपड़ा और मकान, जब रोटी कपड़ा और मकान महंगा होगा ना तो राम की मंदिर की हम पूजा करेंगे ना? ठीक है, पहले हमें खाने को तो मिले तब तो हम भगवान को मानेंगे ना। निश्चित ही सही बात है, अब राम का मंदिर बन रहा है सब खुशी की बात है भाई, सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आया सबने माना, चाहे वो हिंदू वर्ग हो चाहे मुस्लिम वर्ग, ये मुद्दा कभी रहा ही नहीं। ये मुद्दा तो भाजपा का संजीवनी का काम करता था आज से नहीं 1991 से, जब भी उसको लगता था कि हम पीछे जा रहे हैं तो उन्होंने मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे को छाला और ध्रुवीकरण का काम किया बेरोजगारों को। भैया आज भी योगी आदित्यनाथ के पास विकास के नाम पे एक भी काम गिनाने का नहीं है, जनता के बीच जा नहीं रहे, खदेड़े जा रहे हैं, और इसीलिए निश्चित ही ये आज फिर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और जैसे ही ये चाचा बोल लेते आप एक काम नहीं गिना पाए कि आपने एक काम गिना देते तो हम मान लेते कि चलिए एक काम हुआ है, आप सीधे राम नहीं काम चाहिए, राम नहीं काम चाहिए, काम हो रहा है और काम होगा। क्या क्या आपकी आपकी उरई विधानसभा में क्या क्या कार्य हुए हैं आप? हमारी विधानसभा में रोड बढ़िया बने, ये देखो बन रहे हैं, निर्माण हो रहा है, कहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में हो रहा, पूरे प्रदेश में हो रहा, जरा पूरे प्रदेश में विकास चल रहा है। कैसा विकास?
चारों तरफ विकास चल रहा है, गुंडागर्दी बंद है, मेन आदमी व्यापारी चैन से व्यापार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। भैया एक रोड महंगाई पे विकास हो रहा है, महंगाई करो महंगाई बढ़ेगी, आपकी सरकार होती तो महंगाई बढ़ती, 100 रुपए लीटर पेट्रोल, जैसी जनरेशन बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, जनरेशन बढ़ेगी तो महंगाई, एक एक करके बोलने दीजिए, सबकी बात रखी जाएगी, जनरेशन विज्ञा जैसे आगे बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बेरोजगारी पे भी ध्यान देगी सरकार, 22 में देगी जब 10 मार्च को बनेगी तब देगी। और अभी पिछली 5 साल में क्या किया, बराबर काम किया, देखिए आप क्षेत्र में घूम गए, ये लोग काम जानना चाहते हैं, काम का फैसला जनता डिसाइड करेगी, जनता है तो जनता 10 मार्च को रिजल्ट देगी, क्या है, बिल्कुल 10 मार्च को रिजल्ट आएगा और देखा जाएगा कि कौन सत्ता बनेगी, देखा जाएगा कि कौन सत्ता में आता है और किसकी सरकार बनती है। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च, सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है, और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA News ऐप डाउनलोड कीजिए।